वेलकम टू आईएनटी सीबीटी। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलिंग एक्सचेंज सर्वर 2007 पार्ट 2। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सचेंज सर्वर को 2003 सर्वर पर इंस्टॉल किया था, इस वीडियो में जो हम इंस्टॉल करेंगे एक्सचेंज सर्वर को वो सर्वर 2008 पर इंस्टॉल कर देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक सर्वर 2008 की मशीन क्या कर ली, तैयार कर ली है। इसके अंदर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट पे जाता हूं, माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम के पास कितनी रैम है, 2 GB रैम है और मेरा प्रोसेसर टाइप भी, मेरा सिस्टम टाइप है वो कौन सा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि मेरा प्रोसेसर भी कौन सा है, 64 बिट है। ठीक है, और मैं जिसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ वो कौन सा चला रहा हूँ, 2008 R2 एंटरप्राइज सर्विस पैक 1। ठीक है, तो मतलब कि मेरी रैम और सीपीयू तो मुझे मीट कर रहा है मेरी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को। मैं हार्ड डिस्क स्पेस चेक कर लेता हूँ कि वो मिल रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ स्टार्ट कंप्यूटर, मेरी सी ड्राइव में अराउंड 28 GB के समथिंग फ्री स्पेस है, सफिशियंट स्पेस है मेरे लिए। ठीक है, मतलब कि मेरा हार्डवेयर किस, मेरा जो हार्डवेयर है वो एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही क्या होगा, आपका DNS भी इंस्टॉल भी हो जाएगा और कॉन्फिगर भी हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस कंप्यूटर को क्या दे देता हूँ, एक स्टेटिक IP असाइन कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जा रहा हूँ, मैं एडाप्टर चेंज एडाप्टर सेटिंग पे जाता हूँ, मैं लोकल एरिया कनेक्शन पे क्या करता हूँ राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। इसके बाद मैं IPv4 सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाके यूज द फॉलोइंग IP सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना IP एड्रेस डाल देता हूँ जो मैं यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 172.16.0.1। मैं डिफॉल्ट गेटवे भी डाल देता हूँ 16.0.254 और मैं यहाँ DNS डाल देता हूँ 172.16.0.1। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, ओके क्लोज, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए जो आप कमांड यूज करते हैं वो क्या है, आपकी DC Promo। तो हम चलाते हैं DC Promo कमांड। तो सर्वर 2008 में जब भी आप कोई सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करना पड़ता है, रोल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जब हमने DC Promo कमांड चलाई तब सबसे पहले क्या हो रहा है, इसका रोल इंस्टॉल हो रहा है डोमेन सर्विसेज का। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा रोल इंस्टॉल होने में, तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का जो रोल है वो क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब और रोल इंस्टॉल होने के बाद क्या आ गई है मेरे सामने, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन की विजार्ड आ गई है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट, इसको सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं FQDN डाल देता हूँ मेरे सर्वर का, मतलब कि मेरे डोमेन नेम क्या है, मेरे सर्वर का मैं जो डोमेन नेम यूज कर रहा हूँ वो है मेरा intcbt.com और मैं नेक्स्ट करता हूँ। मैं अपने फॉरेस्ट का जो फंक्शन लेवल है वो 2003 ही रख रहा हूं, अभी डोमेन का फंक्शन लेवल भी 2003 रख रहा हूं। और मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ, DNS भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे चेक मार्क लगा दिया। और मैं ग्लोबल कैटलॉग भी क्या कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होता है वो क्या बनता है, आपका ग्लोबल कैटलॉग भी होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे यस कर देता हूँ। मेरा जो डेटाबेस की लोकेशन है वो ये रही और जो मेरा सिसवॉल फोल्डर है उसकी लोकेशन ये रही। ठीक है,
मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड के लिए पासवर्ड डाल देता हूँ। नेक्स्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे उसकी मुझे अपने सर्वर की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब इसका ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन में। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है, तब तक हम वीडियो को क्या करते हैं, पॉज करते हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा, फिर से हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या कर देता हूँ, फिनिश करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने सर्वर को क्या कर देता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो जब तक सर्वर रीस्टार्ट होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक हम वीडियो को क्या करते हैं, पॉज करते हैं। तो जैसे ही रीस्टार्ट कंप्लीट होता है, हम वीडियो को फिर से कंटिन्यू करेंगे। मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है अब। और जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की, तो उसके साथ क्या हो गया, मेरा डीएनएस भी क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आईआईएस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आईआईएस इंस्टॉल करने के लिए हमें सर्वर मैनेजर पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट पे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और सर्वर मैनेजर। यहां पे मुझे जाना है रोल्स में। रोल्स में मैं जाऊंगा, फिर उसके बाद जो मैं क्लिक करूंगा वो एड रोल्स पे क्लिक करूंगा। ये यहां पे नेक्स्ट करता हूं। यहां पे जो मुझे सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करना है आईआईएस, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूं। फिर से मैं यहां पे फिर नेक्स्ट करूंगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ रोल सर्विसेज सिलेक्ट करना पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले जो मुझे सिलेक्ट करना है, वो आईएएस एपीआई एक्सटेंशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो मुझे रोल सर्विस सिलेक्ट करनी है, वो बेसिक ऑथेंटिकेशन, विंडोज ऑथेंटिकेशन, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे डायनामिक कंटेंट कंप्रेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो मैं सिलेक्ट करूंगा, वो आईएएस 6 कंपेबिलिटी मैनेजमेंट कंपेबिलिटी को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूं और मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं, ठीक है। तो मेरा रोल क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। तो रोल को इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को फिर से पॉज करते हैं। आया है इसका रोल क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार मैं अपने सर्वर को क्या कर देता हूं, रीस्टार्ट कर देता हूं। स्टार्ट पे जाके मैं रीस्टार्ट कर देता हूं अपने सर्वर को। तो सर्वर रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक हम फिर से वीडियो को क्या कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम डालते हैं, वो क्या डालते हैं, .NET फ्रेमवर्क और MMC 3.0 और PowerShell। जब मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करी थी, तब उसके साथ ही क्या हो गई थी, मेरी .NET फ्रेमवर्क भी क्या हो गया था, इंस्टॉल हो गया था। इसके अंदर MMC का जो वर्जन है, वो पहले से ही क्या है, 3.0 है। और PowerShell पहले से क्या है, इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो हमें इन तीनों में से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब जो हम सीधा जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, एक्सचेंज 7 के इंस्टॉलेशन पे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपनी डायरेक्टरी यहां रख दी है सर्वर पे। तो मैं इस डायरेक्टरी को ओपन करता हूं। अभी जो हम एक्सचेंज का जो वर्जन यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एक्सचेंज 2007 सर्विस पैक 3, ठीक है। बट 2008 में अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं एक्सचेंज को, तो उसका मिनिमम वर्जन क्या होना चाहिए, सर्विस पैक 1 होना ही चाहिए, ठीक है। बट अभी हम जो यहाँ यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं सर्विस पैक 3, ठीक है। मैंने अपनी डायरेक्टरी ओपन कर ली है। अब मैं यहाँ पे सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करता हूं, तो मेरी एक्सचेंज की जो विंडो है, वो मुझे क्या हो जाएगी, दिखने लग जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया है।
एमएमसी इंस्टॉल्ड है, पावरशेल इंस्टॉल्ड है। एक और इसको नई चीज चाहिए, क्या है? इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉलर 4.5, वो भी क्या है, पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधा कहां जा रहे हैं, पांचवे स्टेप पे जा रहे हैं, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर 2007 सर्विस पैक 3, इस पे क्लिक करेंगे और हमारा एक्सचेंज का जो सेटअप है वो क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये मेरे एक्सचेंज 2007 का विजार्ड आ गया है। आप देख रहे हैं कि सारे स्टेज, सारी स्टेप्स वही है, सारी जो इसकी स्टेजेस हैं वो सारी वही हैं जो कि हमने 2007 में 32 बिट के अंदर करके देखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, इस पर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। लाइसेंस एग्रीमेंट देख सकते हैं कि इस बार क्या है आपका, सर्विस पैक 3 है, स्टैंडर्ड एडिशन अभी है ये, और कौन सा है, इवेल्यूशन एडिशन। ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ कौन सा है, इवेल्यूशन है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट और मैं इस पे नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। ठीक है, एरर रिपोर्टिंग के बारे में पूछ रहा है, तो एरर रिपोर्टिंग अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ। मैं टिपिकल इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, तो मैं टिपिकल सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देता हूँ, INT CBT और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे क्लाइंट सेटिंग के बारे में पूछ रहा है। लास्ट टाइम हमने इस क्लाइंट सेटिंग को क्या कर दिया था, नो किया था, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, इसको यस करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने यस किया और क्या किया, इसको नेक्स्ट किया, तो अब वो कहाँ चला गया है, रेडीनेस पे चला गया है। तो रेडीनेस में अगर उसको कोई एरर दिखेगी तो वो क्या कर देगा, हमें यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो रेडीनेस चेक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को क्या करते थे, पॉज कर। हमारी रेडीनेस क्या हो चुकी है, चेक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ना तो उसको कोई वार्निंग आई है और ना कोई एरर आई है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूं, तो सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन करेगा, फिर कॉपी करेगा एक्सचेंज की फाइल्स को, फिर मैनेजमेंट टूल्स और हब ट्रांसपोर्ट रोल्स, फिर क्लाइंट एक्सेस रोल और मेलबॉक्स रोल, ऐसे क्या करेगा, वो सारी चीजें इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो इस इंस्टॉलेशन को होने में अराउंड 1 आवर के समथिंग का टाइम लगेगा, तब तक हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे एक्सचेंज का इंस्टॉलेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको फिनिश करता हूं, ठीक है, ओके करता हूं और मैं इस सेटअप प्लग को क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। जैसे वो मैंने क्लोज किया, वैसे मेरी क्या हो गई है, ईएमसी मुझे दिख गया है, एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल मुझे यहां पे लॉन्च हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपना हमारा जो एक्सचेंज सर्वर वो क्या है, इवोल्यूशन मोड में है। तो इवोल्यूशन मोड में वो कितने दिन तक काम करेगा, 120 दिन तक काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ओके कर देता हूं। देखिए, अब मैं जाता हूं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में, अगर मैं जाता हूं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में, मैं जाता हूं मेलबॉक्स पे, आप देखेंगे कि यहां पे आपको दो डेटाबेस दिखेगी, एक तो मेलबॉक्स डेटाबेस और एक पब्लिक फोल्डर डेटाबेस। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब हमने इंस्टॉलेशन किया था, तब इंस्टॉलेशन स्टेप में हमने क्लाइंट सेटिंग के बारे में, मतलब कि उस स्टेज में जब पूछता है कि आपकी एनवायरमेंट में कोई 2003 आउटलुक के क्लाइंट है या नहीं, तो हमने इस बार क्या किया था, यस किया था, इसलिए आपको ये सेकंड डेटाबेस यहां पे मिल जाएगी।
पब्लिक फोल्डर डेटाबेस, ठीक है। अगर आप वहां नो करेंगे तो आपको यहां पे केवल एक ही डेटाबेस मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।